आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, परमात्मा की पहचान करा रहे हैं, आपको बतला रहे हैं, कितनी बड़ी बात कही। पर भगवान की परीक्षा के लिए आपने मीमांसा जैसे संबंध पत्र स्वामी ने कल कहा था, भगवान के लिए हम इसलिए नमस्कार नहीं कर रहे हैं, हैं अपने पास ही अपने दरबार में, फिर भी बतला रहे हैं आपको कि नहीं नहीं, आपके पास देवों का आगमन होता है, समोषण विभूति है, छत्र चमर आदि है, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं। आपके पास दोष नहीं है, आप निर्दोष हैं, दोषा वरण हानि हो, दोष और आवरण की हानि पूर्णता हो गई है आपके अंदर, कोई दोष नहीं है, कोई आवरण नहीं है, इस कारण से आपके अंदर अनंत चतुष्टय खिल चुका है, अनंत चतुष्टय खिल चुका है, इसलिए आपको नमस्कार, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप वितरागी इसलिए आपको नमस्कार हो, आप सर्वज्ञ हैं तो उपदेश इसलिए आपको नमस्कार हो। तीन बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सर्वज्ञता, वितरागता, हितोपदेशता, यही परमात्मा की पहचान है। ये तीन है तो परमात्मा है, ये तीन नहीं है तो परमात्मा नहीं है, चाहे कोई कितना भी कहता रहे। इतने गहरे आस्था अपने जीवन में लाओ, क्या करो, इतनी गहरी आस्था जगाओ अपने जीवन में, देखो सम्यक दृष्टि बनो, क्या करो, सम्यक दृष्टि बनो। धर्मात्मा की शुरुआत पहली सीढ़ी है आस्था, सम्यक पहला सोपान, मूल जड़ कहा गया है आचार्य कुंद गोस्वामी, दर्शन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन मूल है, नींव है, जिसके आधार पर धर्म रूपे महल तैयार होता है या वृक्ष तैयार होता है, उसमें फल लगते हैं। जड़ ही नहीं है, नींव ही नहीं है, तो सब कुछ बेकार है, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये स्रोत आपको अकंप आस्था की ओर ले जाने वाला स्रोत है, कहां अकंप आस्था की ओर ले जाने वाला, कंपायमन नहीं, अकम प्रलय काल का तूफान भी जिसको नहीं बुझा सके, कल्पांत काल की वायु जिसको बुझा नहीं सकती है, ऐसा दीप जलाओ। जितने भी दोस्त थे वो आज तक भगवान को छू नहीं सके और ना कभी छू पाएंगे, स्वप्न में भी आने की कोशिश नहीं, क्या बात करे मानते हूँ स्वामी। और जितने गुण थे वो सब आप में समा गए, तात्पर्य क्या हुआ, गुणों ने आपका आश्रय ले लिया, और जहां पर गुणों ने आश्रय ले लिया है वहां पर दोषों को कोई स्थान नहीं है, इसलिए दोष आज तक भटक रहे हैं, कोई स्थान नहीं उनके लिए। और बात सही है, जहां प्रकाश ही प्रकाश हो वहां अंधकार को स्थान मिलेगा, आज तक अंधकार ने प्रकाश का सामना किया कभी नहीं, कभी इनका मिलन नहीं हुआ और ना होगा। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का मिलन कभी नहीं होगा, दिन रात का मिलन नहीं होगा आपका, वो मेघ छा जाए अंधेरा हो जाए वो अलग बात है, दिन दिन ही रहता है, कभी मिलन नहीं होगा। वैसे ही गुणों का और दोषों का मिलन नहीं होता है, ये समझाने जा रही हैं। गुण गुण रहते हैं, दोष दोष रहते हैं, मिथ्यात मिथ्यात रहेगा, सम्यक सम्यक रहेगा, क्या रहेगा, जिन धर्म रहेगा। कोहिनूर कोहिनूर ही होता है, हर कोई कोहिनूर नहीं होता है, समझ रहे बात के लिए, कोहिनूर कोहिनूर होता है, हर कोई कोहिनूर नहीं होता है, हमें सौगात मिली है कोहिनूर की, किसकी, कोहिनूर की मिली है, मेरे पास तो कोहिनूर है,
और कोहिनूर को पाकर के भी हम भिखारी बने रहे हैं, भिखारी बने रहे हैं, हम झोलियां फैलाते रहे हैं नाना स्थानों पर, हम कांटों को ही बीनते रहे, झोली भरते रहे, मेरी झोली भर दो बाबा, फलाने बाबा, फलाने बाबा, कान की कौन कौन से बाबा, कौन कौन से धाम, कौन कौन से क्या, कहाँ कहाँ इनसे झोली नहीं भरती है ज्ञानियों। एक वितराग दरबार है जहां झोली ही नहीं फैलाई जाती है, फिर भी झोली क्या झोला भर जाते है। एक वितराग दरबार है जहां पर, इसलिए आस्था अपने जीवन में मजबूत करो। गुणों को पूजा जाता है इसलिए यहां गुणों की चर्चा है। जो पूर्ण गुणी होता है वही भगवान होता है, जिसमें एक भी दोष विद्यमान है वो भगवान नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये है, अब आप सीधी पहचान कर सकते हैं। इसलिए इतने ज्ञानी बनो, इतने परीक्षक बनो, परीक्षण तुम्हारे पास विधि होना चाहिए, किसी से पूछो मत, अध्ययन करो, गुरुओं से समझो और मजबूत हो जाओ, फिर किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये आस्था का विषय है। किसका? आस्था का विषय है, और ये गुरुओं ने आपके लिए परोस दिया है। शांति से बैठ के नाश्ता कर लो, बिल्कुल इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना, इतना सुंदर है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी क्रम क्रम से बढ़ते हुए अगले काप में बतला रहे हैं, काप नंबर 28 देखेंगे हम। उच्च रसोकितरो संस्कृत मुन्मयोख, माभातिरोपि ममिलं भवितो नितान्तम्। पष्टोल्लसत् किरणमस्तिस्तमो वितानम्। बिम्बं रवेरिवुपयोधर पार्श्ववर्ती, उच्चै रशोके तरु संस्कृत मुन्मयोख, माभातिरोपि ममिलं भवितो नितान्तम्। पष्टोल्लसत् किरणमस्तितमो वितानम्। बिम्बं रवेरिवुपयोधर पार्श्ववर्ती, देखिए। अब यहाँ पर अष्टप्राती हारों की चर्चा प्रारंभ हो रही है। अष्टप्राती हार से युक्त अरिहंत परमात्मा होते हैं, प्रातिहार आठ ही होते हैं, ना अधिक है ना कम है, इसलिए अष्टप्राती हारों की यहाँ चर्चा है।
उच्चैः रसोक, उच्चैः रसोक नहीं पढ़ना, उच्चैः रसोक तरु संसित मुन मयूख, मा भाति रूप मम लम भवितो नितांतम, पष्टोल्लसत किरण मस्त तमो वितानम बिम्बम रवीर्योपयोधर पार्श्ववर्ती। उच्चैः असोक, राका विसर्ग आ निकलेगा रेपसोर विसर्जनिया, उच्चैः राका विसर्ग होकर के हाँ उच्चैः ऊंची, अशोक तरु, तरु माने वृक्ष, तो अशोक वृक्ष के नीचे संस्कृतम विराजमान। भगवान कहाँ बैठे हैं? अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान, संस्कृतम विराजमान, संस्कृतम उन्मयूखम, उन्मयूखम जिसकी किरणें ऊपर की ओर, उन माने ऊपर की ओर, मयूखम माने किरणें, तो जिसकी किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं, किरणें कहाँ जा रही हैं? ऊपर की ओर जा रही हैं। ऐसा भवतो माने भवतहा, भवता माने आपका, किसका? आपका नितांतम अत्यंत अम्लम निर्मल, अम्लम निर्मल क्या रूपम, स्वरूप आपका रूप या स्वरूप, स्पष्ट उल्लसत, स्पष्ट रूप से उल्लसत माने चमकती हुई किरणम, किरणों वाले, चमकती हुई किरणों वाले, तथा अस्तितमो वितानम, किरणम अस्तितमो वितानम, तमह माने अंधकार, वितानम माने विस्तार, अंधकार के विस्तार को नाश करने वाले, अस्त माने अस्त करने वाले, तो अंधकार के विस्तार को नाश करने वाले क्या? पयोधर, पयोधर, पयाधर, पय को धारण करने वाले, जल को धारण करने वाले, पयोधर माने मेघ, क्या बोलते हैं? मेघ, मेघों के पार्श्ववर्ती, समीपवर्ती, निकटवर्ती, रवे बिंबम, रवे बिंबम, रवे यो बिंबम, रवे बिंबम, सूर के बिंब, रब रवि से बना, रवि माने सूर होता है, और रवि के जब हम रूप बनाएंगे तो रवि बिंबम, सूर के बिंब के, यो माने समान, सूर के बिंब के समान आभाति शोभायमान हो रहा है आपका रूप। कौन शोभायमान हो रहा है? हे भगवान, आपका रूप ऐसा चमक रहा है, सौर बिंब के समान चमक रहा है, जिसकी किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं, और ऐसा रूप रख रहा है जैसे सघन मेघों के बीच में चमकता हुआ सूर्य, काले मेघों के बीच में सूर्य चमक रहा हो तो क्या दिखता है? एक अद्वितीय सूर्य ही दिखता है, वैसे ही आप दिख रहे हैं। हे आदिनाथ प्रभु, ऊंचे भरे हरे भरे अशोक वृक्ष के नीचे, ऐसे हरे भरे अशोक वृक्ष के नीचे आपका सोने जैसा तन, आपका सोने जैसा तन, ऐसा लगता है मानो काले मेघों के बीच में दम दमाता दमकता हुआ सूर्य ही निकल रहा है। यहाँ पर एक महिमा बतलाई है, श्रीमान तुंग स्वामी का रूप भी दमक रहा था, आदिनाथ भगवान का, श्रीमान तुंग स्वामी का भी दमक रहा है, मेरी भावना में तो कभी तो दमकता हुआ है, तो आदिनाथ भगवान का स्तवन करते हुए उनका रूप भी दमक रहा है और स्वरूप भी दमक रहा है। जिसका स्वरूप दमक जाता है उसका रूप दमक जाता है,
ध्यान रखना, स्वरूप के जितना अच्छा स्वरूप निखर जाएगा वो उतना ही निखर जाएगा, जितना स्वरूप बिखर जाएगा उतना ही बिखर जाएगा। इसमें निखार किसके हैं? स्वरूप के। स्वरूप की निखरता से शरीर तन भी दमकता है, इसलिए भगवान का तन ऐसा दमक किसके है? हम अपने शरीर को चमकाना चाहते हैं, मेरा शरीर कांति मान रहे हैं, लेकिन किन से, क्या क्या वस्तु लगाते हैं, क्या क्या प्रयोग करते हैं, पता नहीं कौन कौन से पदार्थों को लगा लगा करके गंदा करते रहते हो। पदार्थों को, मैंने क्या बोला, कौन कौन से पदार्थों को लगा करके गंदा करते रहते हो। अच्छे अच्छे पदार्थ भी तुम्हारे स्पर्श से गंदे हो जाते हैं, कभी सोचा आपने? इसलिए पदार्थों को गंदा मत करो, अपने स्वरूप को उजला करो। इसको अपने स्वरूप को उजला कर लो, ना तो पदार्थ कभी गंदे होंगे और जो जीव पदार्थ है तुम्हारा वो भी चमक जाएगा, दमक जाएगा। अच्छर्मान तुम स्वामी ऐसे अशोक वृक्ष की चर्चा कर रहे हैं, वही अशोक वृक्ष प्रातिहार हैं, उन प्रातिहार से युक्त जो परमात्मा हैं उनसे नमन कर रहे हैं। वही जहाँ पर भगवान को केवल ज्ञान होता है, जिस वृक्ष के नीचे, वो वृक्ष, वृक्ष कोई भी हो लेकिन अशोक वृक्ष वही कहलाता है। ऐसा नहीं कि अशोक वृक्ष नाम का ही वृक्ष हो, नहीं, चाहे कोई भी वृक्ष हो लेकिन केवल ज्ञान के बाद वही वृक्ष अशोक वृक्ष, ऐसा नियम है। इस प्रकार हमने अशोक वृक्ष प्रातिहार को समझा यहाँ पर, और हम शेष विषय को कल समझेंगे।